सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि राजनीति में डेटा लीक का उपयोग दुरुपयोग कैसे होता है। देखिए, यह जो युग है, इंटरनेट का युग है, इसमें सब लोग के जो डेटा होते हैं वह तो जिस सर्च इंजन का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस भी ऐप का हम लोग प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम लोग से इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं वे, या बेच देते हैं, या अपनी सरकारों को, जहाँ की ऐप है वहाँ चल रहे हैं तो वे अपनी सरकारों को शेयर कर देते हैं। अब जिसकी जो सरकारें हैं वह जिस भी देश के खिलाफ में उसका प्रयोग करना चाह रहे हैं, या जिस भी पार्टी के खिलाफ में प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो वहाँ उसे सुविधा हो जाती है। अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना ओपिनियन व्यक्त कर रहा है। तो जब अपने विचारों को वह प्रकट कर रहा है लिख के, बोल के, शेयर करके, किसी चीज को जो चीज पसंद आ गई है उसको शेयर कर रहा है, जो चीज ना पसंद है उसे उसके खिलाफ भी बोल रहा है, लिख रहा है, तो उनके पास पूरा डेटा पड़ जाता है कि किस ग्रुप के लोग, किस क्षेत्र के लोग, किस देश के लोग किसको पसंद कर रहे हैं, कितने प्रतिशत पसंद कर रहे हैं, किसको ना पसंद कर रहे हैं, ये उनके पास पूरी बात चली जाती है। अब वहाँ से जब बात चली गई, अब जो सर्च इंजन वाले हैं, मान लीजिए गूगल ही है, तो वो अमेरिका का है, तो अब जो गूगल का प्रयोग कर रहा है, जाहिर सी बात है भारत ने अपना कोई ऐसा सर्च इंजन इस तरह का डेवलप नहीं किया है, तो अब भारत तो पूरा निर्भर है उस पर, अमेरिका पर। तो यहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, यह भी पता है, क्या पहन रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कि उनका अपना क्या ग्रुप है, अब कई तरह के ग्रुप भी बनवाते हैं वे। तो जब ग्रुप बनवाते हैं आपसे, आप व्हाट्सएप पर आप ग्रुप बनाते हैं, तो जब ग्रुप बनाते हैं तो जाहिर सी बात है ग्रुप में जो चीज शेयरिंग होती है, जिस चीज की बातें होती हैं, वो सब उनको मालूम होता है। अब जब उनको मालूम है तो उसका उनके पास इंफॉर्मेशन चला गया, मतलब पावर चला गया। अब वहां से वे उसका दुरुपयोग और उपयोग दोनों ही कर सकते हैं। उसमें जो पसंद है, जिस कोई किसी धर्म के खिलाफ में लिख रहा है, बोल रहा है, कोई किसी धर्म के प्रचार में करा, तो पता लग जाता है कि इनका ये किस धर्म से संबंधित है किसका, तो वहां पर उसी तरह से कंटेंट देते रहते हैं, उसी तरह का मटेरियल उनको देते रहते हैं। और जिस पार्टी को हराना है या जिसके विरुद्ध में बोलना है, तो वहां के लोगों को, जहां उनके विरोध में लोग हैं, तो वहां पर ऐसे ऐसे कंटेंट दे करके वहां भड़काया जा सकता है, उसके खिलाफ भी किया सकता है, उनको प्रेरित किया जा सकता है कि उसके विरुद्ध जो है अभियान छेड़ दे, उसके विरुद्ध मतदान करे। तो इस तरह से कई कई जो है, चाहे मीम बना के या छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना के या किस तरह से, तो एजेंडाधारी सब जो है उसमें डालते रहते हैं, और उनको जो जो लोग शेयर करते हैं उससे समझ जाते हैं कि हाँ इस तरह के लोगों में इतना करंट चल रहा है, उसके समर्थन में कितना चल रहा है, विपक्ष में कितना चल रहा है, तो सब लोग अपना अपना ग्रुप अपने अपने तरीके से लग जाते हैं। और वहीं पर जो है कुछ जो ऐसे प्रोफेशनल बैठा दिए जाते हैं जिनका काम ही है रात दिन यही करना कि वही भेजते रहना बना बना करके, तो एक तरह से प्रोपेगेंडा चला देते हैं, फिर अफवाहें फैला देते हैं, झूठे झूठे वीडियो चला देते हैं, जिससे माइंड सेट बदल जाता है लोगों का। और चुनाव में आजकल चूंकि टीवी भी लोग देख रहे हैं लेकिन कम देखते हैं, सोशल मीडिया वगैरह ज़्यादा देखते हैं, तो उससे प्रभावित वे कर देते हैं, आपके दिमाग को प्रभावित कर देते हैं, आपके विचार को प्रभावित कर देते हैं, और आप उसके हिसाब से अपना मत बना लेते हैं। इस तरह से प्रभावित दुष्प्रभावित करते हैं, सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं,
उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, पत्रकारों को भी खरीद लेते हैं, पत्रकारों के विषय में भी जान जाते हैं कि किस तरह के पत्रकार किसके विषय में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके जरिए जो है वो अन्य पत्रकारों को भी जोड़ लेते हैं, तो उनका एक अलग जो है ग्रुप बन जाता है जो कि किसी के विरुद्ध में काम करता है, किसी पार्टी के समर्थन में काम करता है, किसी देश के विरुद्ध काम करता है, किसी देश के विरुद्ध काम करता है। तो ये पूरे विश्व स्तर पर ये सब राजनीति में ये चलता रहता है। तो आपका जो भी डेटा लीक होगा वो सब चलेगा कि जिस चीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, किस किस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन उन कंपनियां कहाँ की हैं, वे कंपनियां कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं कि फ्रांस की हैं कि जर्मनी की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, चीन की हैं, कहाँ की हैं। तो उससे पता चल जाता है कि कितने प्रतिशत लोग किस चीज को खरीद रहे हैं और किस देश की चीज को खरीद रहे हैं, किस कंपनी की चीजों को खरीद रहे हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए भी उसका सहारा लेते हैं। और उन कंपनियों को जो सरकारें या जो पार्टियां प्रमोट करती हैं उसका भी सहारा लेते हैं, या उसके विरुद्ध में अभियान छेड़ते हैं, नुकसान जिनको हो रहा है उसके विरुद्ध में अभियान छेड़ेंगे। तो ये तरह से एक बहुत बड़ा गेम होता है, और सामान्य आदमी तो इतना नहीं समझता है, ना उसके पास इतनी फुर्सत है, वो कमाने में अपना व्यस्त है, अपना परिवार ही चलाने में उसकी सारी ऊर्जा दिमाग लग रहा है, तो वो सब चीज पर ध्यान भी नहीं दे पाता, समझ भी नहीं पाता खेल को। और एक आध मान लीजिए चीज कहीं वीडियो समझ भी गया तो दूसरे में फंस जाएगा, तीसरे में फंस जाएगा, फंसाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो भारत को अपना सर्च इंजन बनाना पड़ेगा, अपना सब ऐप बनाना पड़ेगा, तभी स्वतंत्र रूप से हो सकता है, अन्यथा हम भारत की कोई भी चीज जो है वो अपनी नहीं है, सब जो अमेरिकन्स हैं उनको सब मालूम है, पूरे विश्व का ही मालूम है, जहां जहां उनके ऐप का प्रयोग हो रहा है, उनके सर्च इंजन का प्रयोग हो रहा है, तो उनको तो पूरा मालूम है। तो कभी भी आक्रमण करना होगा देश पर तो जाहिर सी बात है सूचना के आधार पर भी आक्रमण कर देंगे, और ज्यादा कुछ ठप करना होगा तो वो अपना ऐप ही बंद कर देंगे। और एकाएक अगर आप ऐप अपना विकसित नहीं किए हुए, अपना सर्च इंजन विकसित नहीं किए, उन्होंने बंद कर दिया तो पूरा इंटरनेट आपका तबाह हो गया, और इंटरनेट के आधार पर जो जो सारी आपकी व्यवस्थाएं थी वो सब तबाह हो गई। तो कोई भी देश जो अपनी टेक्नोलॉजी विकसित किया हुआ है वही सर्वाइव करेगा और वही सर उठा करके जी सकता है, स्वाभिमान के साथ जी सकता है, अन्यथा अमेरिका के सामने सबको झुकना ही पड़ेगा, गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा, यही सच्चाई है। चीन ने तो बहुत हद तक अपना विकसित कर लिया है, वह बिना गूगल के जी रहा है, बिना व्हाट्सएप के जी रहा है, और बिना यूट्यूब के जी रहा है, बिना इंस्टाग्राम के जी रहा है, उसके अपने अपने ऐप हैं तो अपने देश में वो चलाता है, तो बिना उनके ऊपर निर्भर हुए, अमेरिका के ऊपर निर्भर हुए वो चल रहा है, इसलिए उसकी बहुत सारी बातें गोपनीय है जो अमेरिकन सूचना नहीं ले सकते चीन की। और चीन ने बहुत सारे ऐप ऐसे विकसित किए हुए हैं, अपने सामान ऐसे बनाए हुए हैं जहां से सूचना ले ले रहा है, ऐसे मोबाइल अपने बनाए हुए हैं, कंप्यूटर सेट बनाए हुए हैं, तो सारा सॉफ्टवेयर इस तरह से उसने बना रखा है कि अगर आपने उसके मोबाइल का प्रयोग किया या उसके ऐप का प्रयोग किया या किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया तो आपकी कुछ सूचना जो है वहां चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वहां पर उपयोग दुरुपयोग हो सकता है, उसी तरह अमेरिका के साथ भी है, लेकिन भारत इन लोगों की सूचना कैसे लेगा। अब मान लीजिए कि अस्पताल में भर्ती हो गए, यहाँ कितने लोग कोविड में भर्ती थे, उनका डीएनए टेस्ट हो रहा था, तो डीएनए टेस्ट का सारा जो है बायोडाटा है, एनालिसिस है, तो वैसा चीन के पास चला जाएगा, भारत के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो भारत के लोग जो हैं ये उपचार कराते हैं, तो उनका डीएनए डेटा वहाँ पर मौजूद रहता है, तो वो चीन के पास चला जाएगा, वो सूचना चली गई। अब चीन जो है वो मान लीजिए भारत के लोगों का जीन अलग है, चीन के लोगों का जीन अलग है, तो भारत का जीन जिस आधार पर है, अगर उसी वहां पर चीन ऐसा डेवलप कर रहा है अपना वायरस, तो ऐसा डेवलप करेगा कि इसी तरह के जो जीन वाला जो व्यक्ति है उसी में ही वह काम करेगा, वायरस उसी को इन्फेक्ट करेगा, उसी को प्रभावित करेगा, उसी को रोगग्रस्त करेगा, और चीन के जो जीन वाले लोग हैं उसको प्रभावित नहीं करेगा।
इस तरह का भी टारगेट ओरिएंटेड वायरस भी बनाए जा सकते हैं, ऐसा भी वैज्ञानिकों को डर है, ऐसा किया जा सकता है। तो हम लोग के यहाँ की जो भी सूचनाएं हैं, मेडिकल सूचनाएं हैं, दवाई खा रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो कौन कौन सी दवा असर कर रही है, कौन कौन सी नहीं कर रही है, तो हम लोग की इम्यूनिटी क्या है, तो उसका चीन को भी पता चल जाएगा, अमेरिका को पता चल जाएगा हम लोगों ने जो प्रयोग किया है। अब उसका जो है हमारे देश के खिलाफ में, हमारे लोगों के खिलाफ में प्रयोग हो सकता है, वैसे वैसे वहां पर बायो वेपन्स बनाए जा सकते हैं जो कि भारत के लोगों को ही प्रभावित करे, वो बीमारी भारत में ही फैले, दूसरी जगह ना फैल सके। तो ये सब जो है, जो सूचनाएं हैं, वो बहुत बड़ा शोध का विषय है और उसके आधार पर बहुत ज्यादा शोध चल रहे हैं बड़े बड़े विकसित देशों में, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, सब चल रहे हैं। तो भारत को भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन भारत के पास अपना इस तरह का भी ऐप विकसित नहीं हो पाया है, इस तरह की सूचनाएं विकसित तो भारत में अभी नहीं आ पाई है कि सब जगह के जीन का जो है विकास भारत कर रहा हो या शोध चल रहा हो, पूरे वर्ल्ड के सभी तरह के हर देश के जो लोग हैं उनके ऊपर। सूचनाओं का तो बहुत ही बड़ा खेल है और अभी एडवांस वही है, सबसे एडवांस वही है जो कि सब देश की सूचनाओं को रख रहा है, क्योंकि वह जब चाहे तब उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही कर सकता है। उससे संबंधित वह बीमारी भी बना सकता है, उससे संबंधित वह जो है दवा भी बना सकता है, और दोनों ही बना करके दोनों को बीमारी फैला दिया और फिर अपनी दवा बेच भी रहा है, दवा बना बना करके, तो आप को रोगग्रस्त करके फिर जो है वह आपका उपचार भी करेगा, एहसान भी लेगा, अपना बेचे कमाएगा भी, उसकी कंपनियां भी फैल जाएंगी आपके देश में। तो ये सब सब बहुत सारा खेल हो रहा, बड़े बड़े जो नेता हैं उनका भी डीएनए उन लोग पता कर सकते हैं। अब जो किम जोंग उन हैं उत्तर कोरिया के, वो तो अपना कहीं भी कोई रिपोर्ट, यहाँ तक कि अपनी टट्टी भी नहीं छोड़ते किसी देश में जाते हैं, तो अपना टट्टी, अपना पेशाब कुछ नहीं छोड़ते, क्योंकि वो सब समझ सकते हैं कोई भी उसके पेशाब के टट्टी की जांच करके उसका डीएनए का और कितना किस बीमारी के प्रति वह ससेप्टेबल है, किसके प्रति रेजिस्टिव है, सब पता लगा सकते हैं, कौन सा दवा खा रहा है यह व्यक्ति वर्तमान में, इसको कौन सा बीमारी है, सब पता लगा सकते हैं, और उसके आधार पर भी उस आदमी को टारगेट किया जा सकता है। तो बहुत ही एडवांस अब सोच हो चुकी है लोगों की, तो उसके हिसाब से हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, तो उनकी सारी रिपोर्ट जो है अगर सार्वजनिक हो जाए, लीक हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि उनके पर आक्रमण करने की सुविधा भी बन जाती है, उनको हराने की, उनको मारने की सब सुविधा बन सकती है, कौन कहाँ से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, कैसे उसे मिल रहा है, उसके कारण क्या इफेक्ट आ जाएगा उसमें, सब प्रभाव जो है सूचनाओं के माध्यम से जो विकसित देश हैं उनके पास सूचनाएं जा रही है, डेटा जा रहे हैं। तो आजकल डेटा जो है वो हर रुपये से भी ज्यादा मायने रखता है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए, तो बाकी लोग सोचते हैं कि डेटा लेने दो, मेरा डेटा मेरे किस काम का है, कोई ले ही लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ ले। सिर्फ इसका नहीं है कि आपके पास जो डेटा आया है तो आपके बैंक पर आक्रमण करके आपके खाते से पैसा निकाल लेगा, सिर्फ इतना भर नहीं है, भारत के जितने भी लोगों का बैंक में जो भी डेटा है तो कभी कभी वो डेटा भी लीक हो जाता है, चोरी हो जाती है। अब यूपीआई से जो लोग पेमेंट कर रहे हैं तो वह भी कभी लीक हो सकता है और फिर उसका सेंधमारी कर सकते हैं। तो कैसे सरकार सुरक्षित रखती है अपने डेटा को, यह देखने की बात है। आधार कार्ड जो है और पासपोर्ट है, तो उसमें सभी डेटा हम लोग के कैद हैं, क्यूआर कोड है, तो उसके माध्यम से वह जो है कभी उसमें हैकिंग कर सकते हैं। तो अब सरकार की जिम्मेवारी है कि सुरक्षित रखे उसको, लीक नहीं होने दे दूसरों के लिए, और अंदर में भी जो डेटा सरकार के पास है, तो जो भारत सरकार है मान लीजिए, जो सत्ता में जो पार्टी है, तो उस पार्टी के पास भी लोगों का डेटा मौजूद हो सकता है और उनके क्या विचार हैं, ओपिनियन हैं, उसकी भी एनालिसिस हो सकती है,
हाँ उसके हिसाब से भी वे योजना बना सकते हैं, विपक्षी पार्टियां जो है उसके खिलाफ में योजना बना सकते हैं, विपक्षी पार्टियों के पास भी योजना हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास डेटा आ जाएगा पूरा, उसका एनालिसिस करवा करके उसके काउंटर प्लानिंग बना सकते हैं। तो यह आज के युग का बहुत एडवांस चीज है, और जो जासूसी विभाग है वह तो अपना रिपोर्ट सौंप ही रहा है, डेटा सौंप ही रहा है, लेकिन आप जो जो अपना शेयर करते हैं सोशल मीडिया में हम आप, तो वे सब भी सूचनाएं जा रही हैं, एक एक चीज जा रही है, हम क्या खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, हमारे कौन मित्र दोस्त हैं, कब कहाँ हम लोगों ने क्या किया, कहाँ पार्टी की, कहाँ हम लोग घूम करके आए, हर चीज तो शेयर कर देते हैं, कब किसकी शादी हो रही है, कब भंडारा हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो सरकार के पास सारी सूचनाएं होती हैं, पार्टियों के पास सारी सूचनाएं जा रही हैं, जो समर्थ पार्टियां हैं, तो अब वे उसके हिसाब से योजना सब बना सकते हैं। उसी तरह दूसरे देशों के पास भी जा रहे हैं, तो दूसरे देशों के भी जो पार्टियां हैं तो वे भी योजना बना सकते हैं कि उनके समर्थक की पार्टियां जो हैं वे जीतें, उनके विपक्ष वाले जो हैं वे हारें, उनको हराने के लिए योजना बनाते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि ट्रंप को हरा दिया था चीन ने पिछली बार, राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे तो वो चुनाव में हार गए, उसमें उसके पीछे चीन का बताया जाता है, चीन ने उनके विरुद्ध में पत्रकारों का वो खोल दिया था और सारा उनका डेटा लेके प्रोपेगेंडा जो है लिख करके और उनको बदनाम करके और भड़का करके उनके विरुद्ध में, तो वहां पर सफलता पा ली थी चीन ने। तो देखिए अब क्या हो सकता है, जमाना तो बहुत तेजी से बदल रहा है, तो राजनीति में इसका, और राजनीति में चाहे इकोनॉमिक्स में चाहे हर चीज में डेटा का बहुत महत्व हो चुका है। और हमारे देश में भी इसका, अब इसके लिए भी कंपनियां बन गई हैं, प्रचार कराने वाली कंपनियां बन चुकी हैं, दुष्प्रचार फैलाने वाली कंपनियां बन चुकी हैं, और वे बड़े बड़े टेंडर ले रहे हैं पैसा ले करके, और वो विश्लेषण करके और वो योजना बना रहे हैं कहाँ पर किस तरह के मुद्दों को रखना है, कैसे फैलाना है, कैसे बहकाना है लोगों को, तो यह सब जारी है। और राजनीति में कहा जाता है ना कि साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाया जाता है, तो हर तरीके अपनाए जा रहे हैं, जितनी बड़ी सूचनाएं हैं, जितनी ज्यादा सूचनाएं हैं, जितना बढ़िया विश्लेषण है, जितना काउंटर प्लान बनाया जा सकता है, उतना ज्यादा सफल होगा। इसमें इतना ही, हरिओम।